हेलो स्टूडेंट्स जोहार हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची विषय नागपुरी पिछला क्लास में हम रोरमन के लोक कथा कर विषय में बताए रही कि लोक कथा का के कहना उकर परिभाषा का है और उकर का महत्व और विशेषता है आज हमरे लोक कथा सीत और बसंत रोरेमन जानिला कि लोक कथा कर लेखक अज्ञात होवेला के लिखे कहिया लिखे इकर पता नहीं रहेला। इकर संकलन करल जाएला सीत और बसंत कहनी कर हो संकलन करह डॉक्टर कुमारी ई कहनी में रोड़े के सब चीज मिली जेकर वर्णन हम लोग कथा बताए रही उकर में कही रही उकर में हम कही रही कि जैसे इकर पात्र क्यों भी हो सकेला पशु पक्षी आदमी जानवर नदी पहाड़ क्यों भी हो सकेला और मने कर बोली बोलेना और बुझेना तले कोनो चीज असंभव असम्भव न खे रहस्य और रोमांच से लोक कथा भरल जेकर चलते लोक कथा में आखिर तक उत्सुकता बनल रहला असंभव जैसन कोनो शब्द इकर में नहीं रहे लोक कथा में भी रोरे ई चीज सबके पाव कि कैसे महादेव और पार्वती आवेना और वरदान देवेना लोक कथा हमेशा सुखान्त होवेला इकर में बतावल जाएला कि सब कोई सुखे सचे बढ़िया से रह लागले ला आखिर में इसने है अच्छाई कर जीत और हमेशा बुराई कर अंत इकर में बतावल जाएला तो लोक कथा में भी हमरे पढ़ब यह नियर सब चीज़ कर वर्णन है तो आउ पढ़ब लोक कथा सीत और बसंत कहनी कर शुरुआत करती एगो सुंदर नगर में राजा रानी रहें राजा रानी कर दुईठों बेटा रहें और इस उन्दर नगर में धन संपत्ति सुख शांति भरल रहे राजा प्रजा सब कोई सुख सच से रहत रहे। राजा कर दुयो बेटा कर नाम रहे सीत और बसंत सीत बड़ बेटा रहे और बसंत छोट बेटा रहे राजा कर घर कर छाइन में गेरवा गेरवाइन खोता बनाए रहें देखो राजा का घर को महल नहीं रहे, खपरा घर रहे जर छाइन में गेरवा गेरवाइन खोता बनाए रहे उमनक मन गो छोट छौआ रह कुछ दिन बाद का होलक और गेरवाइन मर ग अब बेचारा गेरवा एकला हो गए दुई गो छोट छोट उमन के पोसैक चाही एकला चारा लाइन के खिया चाहिए तो कतई दिन चलत ढेर दिन तक तो संभरालक मुदा नहीं पारलक और एगो नवा गेरवाइन से जोड़ा लेलक छोटकी गेरवाइन आते के साथ छौ मन के लथिया के खोता से गिरा दलक और छुआ मन नीचे गिर के मर ग इके देख के रानी के बड़ा दुख होलक बहुत अफसोस होलक और उ राजा से कहल ए राजा साहब को दिन मोय भी मर जामू तो हो जोन इसने छोटकी ले उ छोटकी रानी इसने स्नेहे जैसन की गेरवा कर छोटकी कर मोर छौआ मन के इसने जुन मोराय देवी इके के राजा खिसा गया और तनि के कहलें का बात करीला रानी मोय भला इसन ईसन कामू एखन तो हमरे माय छौआ निके सुखे आही का रौरे अशुभ बात करीला ऐसा ना कहूँ ऐसा कह नहीं जोगा मुदा विधि कर खेले कुछ रहे और ऐसने थोड़े दिन कर बाद का होलक और सत्य रानी कर मृत्यु हो गए तले कुछ दिन बीतलक और राजा हो एगो नवा रानी ले लान ले छोटकी रानी हो आते के साथ मन के साधे शुरू कर लग। खाए नहीं देवत रहे, थारी में भूसा दे देवत रहे तले ऊकर उपरे तनिकुन भात दे देवत रहे, ज़ेकर से छौआ मन भूखे दुबरा गल एक दिन तो उह हदे कर गोटा गतर में दही लेलक और बिलई से गोदरुआ के लहू लुहान हो गए जखन राजा आलक तो उके शिकायत कर कि रौर मन मोके देखू कैसन चाय कोइथ के कर दे जब तक मन कर लहू से नहीं नहामू और मनकर आँख कर गुलेर गोढ़ा बनाए के नहीं खेलमो मोर कर्जा नहीं जोड़ाई मोर खीस ठंडा नहीं हो कर प्रेम में पागल राजा जलाद मन के छुआ मन के मारे हुक्म दिल और उ कर लहू और आँख के ले ले लानू जलाद मन दुयो छुआ के मारे लिए सुनसान वन बटे ले गल मुदा निर्दोष सुकुमार छुआ मन के देख के उ मन का हृदय दया से भर गल उ मन के मारे मन नहीं कर के पहाड़ करमारा में लुका दिल और सौ कहने के उ मन के इमन बता दल और दुई गो हरिण के मार के उकर लहू और आँख के लाइन दिल रानी छौआ मन मर जाइन के बड़ा खुश हो ग अब शीत और बसंत ऊ मारा में कतना देरी रहते हैं, भूख लागत रहे, दुयो हुआ से निकलने और चल लागले। चलते चलते और घनघोर आखाखोह बीजू वन में पहुँच गया जहाँ कुछो और छोर नहीं दिसत रहे भूख से बेहाल छौआ मने एकदम से डराए गल चिड़ियां चीत रहे न मन कर मित रहे ऐसन घनघोर जंगल में कहा करते रात हो गल भूखे पियासे, एगो से एगो कर हेठे दुयो के सूत गल बर कर उपरे एक जोड़ा पेरवा हो खोता बनाए के रहत रहो ओहो मनक दुई गो छुआ रहें। छुआ मन देखल कि मनुक कर छुआ मने पेड़ गज कर नीचे बिना खाए पिए भूखे सुतल हैं तो उमन चारा नहीं खाले माय बाप पेरवा पेरवाइन कितनों खेक कोशिश कर लें मुदा उमन नहीं खाले और कहलें दू गो मनुआ छुआ मन गज हेंटे भूखे सुत हैं उमन के पहले तोहरे मन खियावा जब तक उमन नहीं खाब हम हो नहीं खा पेरवाइन कतनों समझाला कि उमन मनुआ छुआ है उमन चारा नहीं खबं हमरे उमन के का खिया मुदा छुआ मन नहीं मान ले तले पेरवा पेरवाइन सोचल और उमन के समझाल ठीक है हमरे तोहरे चारा खावा हमरे तोर आबा संगे झगड़ा होते होते गिर और उमन हमर मास के आग में पका के खा ले खाए लेब मुदा तोहरे मन हमरे के ना खोजबा ना कांदबा बेस से रहा तले मने का पेरवा जाए के जंगल से बटे आगि लागि रहे एगो लान लग और छुआ कठिन गिरा दिलक बसंत उ तितकी से आगि सलगा तले दुयो पेरवा पेरवाइन उकर में गिर के जान दे दिल उ मन शरीर पाक ग मांस पाक गल जो शीत और बसंत खाए के सुत गए रात बेरा निशा भोग रात रहे खंडहर से खोड़हर से बार गछ कर से एगो विशाल बिखधर नाग निकल लग, और सीत के चाप दिलक जर चलते शीत मर गल अब उकर छोट भाई बसंत कांदे लागलक बसंत के वरदान कि जहाँ उकर लोर गिरत रहे सो लोर हीरा मोती कर बन जात रहे बसंत कर लोर हीरा मोती के चारों बटे जगमग करे ला। बसंत कर कांदेक सुन के ऊ बटे महादेव और पार्वती आलन तले अपन अमृत पानी छीट के सीत के जिया दिलन दुयो भाई महादेव पार्वती के दंडवत प्रणाम करलन आपन दुख सुनाले महादेव पार्वती उ मन से खुश होइके के मन के वरदान दिले कहले उ जगन गढ़ बकरी कर बन जाओ तले गढ़ बकरी कर बन ग हीरा मोती अन्न धन से भंडार भर गल कुआं कुआ पोखर कोड़ा गया बाग बगीचा लाग ग जहाँ वरन बरन कर पशु पक्षी ढूरे लगल खुशी खुशी रहे लगलान अब के अपन माय बाप कर याद होलक सीत और बसंत अपन माय बाप के खोज लगे गेल तले बाप के पाए ग बाप हर बूढ़ा हो जाए गढ़ बकरी उजड़ जाए और छोटकी रानी राजा के छोड़ के भाग जाए राजा के अपन गलती कर पता रहे उके बड़ा अफसोस रहे कि कैसे अपन बेटा मन के शीत और बसंत के मुरा दिलक उद करके के राजा अंधरा हो जाए रहे। दुयो बेटा राजा के देख के लें ले ले। तले अपन संगे अपन गढ़ बकरी में ले आनलिन उनकर खूब सेवा लें और सुख सच में राजा कर आँख कर रोशनी धीरे धीरे घुर गल तले दुयो भाई देवांगी कन्या मन से कर लें और सब कोई सुख सच से रहे लागले राइज करे लागले इ तेर इ कर अंत होवेला देखू लोक कथा कर अंत सुखान्त होलक कोई सुख सच से रहे लगल बुराई कर भी अंत होलक कैसे रानी राजा के छोड़ के लग, तले उके पूछे वाला केव नहीं रहे सच्चाई कर जीत होलक दुयो छुआ कितना सुख सच से रहलने और जिंदगी के अपन बाप का जिंदगी के भी सुख सच में बदलने तो हमरे देखिला कि लोक कथा हमेशा सुखांत होवेला और इकर में एगो नैतिक शिक्षा रहेला कि बुराई कर अंत होवेला जे बुरा काम करेला उकर नतीजा बुरा होवेला जे बढ़िया रहेला सच्चाई में रहेला उकर हमेशा जीत होवेला तो आज हमरें पढ़ कथा सीत और बसंत जेकर संकलन डॉक्टर कुमारी बासंती कर रहे हैं और इ कथा एलवेंथ इलेक्टिव कोर्स कर किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह कर गद्य भाग में संकलित है हमके विश्वास है रोरमन के इ कहनी जरूर पसंद आ रही जरूर समझ में आए रही तो आज इतने धन्यवाद